खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अपन चुनावी चर्चा करते करते पहुंचे हैं महरौनी के मुख्य बाजार में। चलिए, यहाँ पर मौजूद काफ़ी लोग हैं, महिलाएं लोग हैं और यहाँ पर दुकान भी लगाए हैं काफ़ी क्षेत्र से महरौनी विधानसभा से। तो उनसे अपन चर्चा करते हुए जानते हैं कि उनका क्या रुझाव है, क्या सुझाव है और क्या कहना है आगे में विधानसभा चुनाव पर। क्या नाम है आपका? हमारा रामेश्वर प्रसाद केवट बछोड़ दो। आपका क्या कहना आगे में विधानसभा चुनाव के बाद? हमारा ये कहना है कि महरौनी 227 विधानसभा क्षेत्र जो है ये अति पिछड़े में आता है और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुनकर विधानसभा में पहुँचे वो यहाँ पर चौमुखी विकास करे। और आपके विधायक द्वारा कैसे काम हुए हैं? मनोहर लाल कोरी हैं। अच्छा अच्छा, उनके द्वारा कैसे काम? कार्य देखो, यहाँ से लेके दिल्ली तक सत्ता रही, कई ग्रामीण अंचलों में कमियां पाई गई हैं, कमियां हैं। अब दोस्त, आपके विधायक के बारे में आपका क्या कहना है? विधायक के हम ये चाहते हैं कि विधायक कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ का जनप्रतिनिधि जो चुन के आए, यहाँ का चौमुखी विकास चाहिए महरौनी 227। अभी आपके विधायक द्वारा कैसे काम हुए? आप खुश हैं उनसे? कार्य खुश हैं, कुछ पब्लिक नाराजगी भी है। आप खुश हैं या नहीं? नहीं, हम तो देखते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं जो कई ग्रामीण अंचल। क्या विकास से मतलब नहीं है अपने क्षेत्र में? हम विकास चाहते हैं यहाँ पर, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान बंधु यहाँ के भोले भाले हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि विकास की एक लहर दौड़ के आए और विकास प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में। गोविंद नाम ने चाय वाले। तो आपका आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में और आपके विधायक के बारे में क्या कहना है? विधायक मन्नू कोरी विधायक बनेगा। बनेगा? आप उनके कामों से खुश हैं? खुश हैं। सब 3 दिन मकान बनवा दिए उनने, राशन कार्ड बनवा दिए, 3 दिन मकान बनवा दिए और अकाउंट में पैसे डाल दिए उनके द्वारा। तो वो तो मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा डल रहे हैं, उनके द्वारा आपके क्षेत्र में क्या विकास कराया? पैसे विकास उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ। ऊपर क्रेन तो उनसे खुश हैं आपके? नहीं, खुश तो इस है कि सरकार अच्छी है, बढ़िया है। तो आप उनसे निराश हैं क्या, खुश हैं कि पार्टी के उससे उनको वोट? खुश है, खुश है, खुश है उनसे। उनको वोट आप उनके चेहरे से देंगे कि पार्टी के उससे देंगे? पार्टी के उससे, उनके उससे नहीं देना। हाँ हाँ। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आपका क्या कहना है आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में, आपके विधायक के बारे में, उनके द्वारा कैसे काम कराए गए आपके क्षेत्र में? काम उन्होंने किए हों अथवा नहीं, लेकिन पार्टी द्वारा जो काम कराए गए हैं उससे जनता थोड़ी खुश है, लेकिन व्यक्तिगत उनसे हल्की सी नाराजगी है। उनके द्वारा आदमी ये कहता है कि हमें जो भयमुक्त माहौल मिला है उससे हम खुश हैं और विकास कार्य तो सारी सरकारें जैसे आई हैं उससे तो काफ़ी विकास इस सरकार ने किया है, इसलिए संतुष्ट हैं लोग। हाँ, आपका क्या नाम है, आपका क्या कहना है विधानसभा चुनाव के बारे में? एडवोकेट मनोज चतुर्वेदी। योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रत्याशी को हम नहीं देखेंगे, योगी और मोदी को देखेंगे। आपके क्षेत्र में विकास से आपको कोई मतलब नहीं है? प्रत्याशी द्वारा आपके क्षेत्र में विकास कराया हुआ है? विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है आपके विधायक द्वारा? सड़कें अच्छी बनी है, उसके बाद कई जगह महरौनी में, महरौनी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सड़कें ऐसी हैं जिससे आदमी निराश है, आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना। एक साथ तो पूरा काम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता एक साथ पूरा काम, टाइम लगेगा, काम होगा, काम हुआ है। जैसे छपरट का पुल है, काफ़ी मतलब कई क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, तो संतुष्ट है और बीजेपी को ही वोट करेंगे। यहाँ पर मौजूदा महिलाओं से भी बात करते हैं, आप दुकान लगाएं, क्या नाम है आपका? ममता। आपका विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना है? आप पार्टी को वोट देना चाहेंगे यही सरकार से, और यहाँ पे जो महंगाई बढ़ी है उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप दुकान लगाए ना, आपकी सब्जियाँ सही भाव से मिल रही हैं आप? नहीं। हाँ? नहीं। क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? घाटा हो रहा है। घाटा क्यों हो रहा है? सब्जी महंगी मिल रही, सस्ती सस्ती बिक रही है। तो आपका आप चुनाव के बारे में क्या कहना है कि जो चुनाव होंगे वापस तो वही पार्टी चुनेंगे जो अभी भारतीय जनता पार्टी है, क्या बदलना चाहेंगे? बदलना चाहती। बदलना क्यों चाहेंगे आप? बहुत महंगाई हो गई। अच्छा, महंगाई से परेशान है सरकार,
तो अब वापस आप चुनना चाहेंगे तो कौन सी पार्टी को चुनेंगे? दूसरी पार्टी। कौन सी दूसरी पार्टी? लगभग आपके अंदाज से आप कौन सी, क्योंकि मतदान बताना जरूरी नहीं है, लेकिन कौन सी पार्टी चुनना चाहेंगे? दूसरी वाली चुनेंगे। कोई भी दूसरी जो नहीं होगी, जो विकास के लिए। और क्या महंगाई से आपको क्या क्या परेशानी का? आप क्योंकि खुद महिला होकर आप सब्जी की दुकान लगाए हैं, बहुत सी परेशानी है महिलाओं को। इस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कुछ नहीं कराया गया? नहीं। तो आप बदलेंगे ये सरकार? और क्या। क्या नाम है तुम्हारा? विश्वास सिंह। आपको क्या कहा विधानसभा चुनाव के बारे में? मतलब विधायक से खुश हो आप अपने? बिल्कुल नहीं है हम खुश। काहे नहीं है खुश? विकास कार्य उन्होंने कराई नहीं है। तो विकास के बारे में आपने कहीं चर्चा नहीं करी अपने विधायक से? वो मिलती ही नहीं है, रुकती नहीं है, निकलती तो है, हर दिन है, प्रत्येक दिन ऐसी मिलती है, लेकिन बात किसी से नहीं करती जनता से। तो आप शिकायत लेके कभी उनके पास पहुँचे हैं उनके कार्यालय में? अभी तक नहीं गए कार्यालय में, कभी नहीं गए। कार्यालय में मिले हैं कभी आपको वो? अगर गए हो आप? नहीं मिले, कभी नहीं मिले। कहाँ रहते हैं वो? ललितपुर, कभी लखनऊ। वो विधायक हैं और साथ में मंत्री भी हैं, फिर भी उनके द्वारा आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया क्या? उनने 1% भी काम नहीं कराया, लेकिन सरकार से खुश हैं। सरकार से खुश हो आप? हाँ। तो आप उनको देख के वोट दोगे या सरकार को देख के? सरकार को देख कर वोट देंगे। सरकार में और आपके विधायक द्वारा आप कैसे काम हुए आपके क्षेत्र में? विधायक द्वारा तो कोई काम नहीं हुआ। कैसे हैं आपके विधायक? विधायक के बारे में क्या कहना चाहिए? विधायक के बारे में तो ऐसा है कि विधायक ने तो कुछ काम करा ही नहीं है अपने यहाँ। गांजे के सिवा कोई काम ही नहीं है उनका। आती है कहा हाँ ठीक है हो जाएगा काम। ये विचार है उनका। और अब वापस आप अगर चाहेंगे तो अब आगामी चुनाव है तो अब बदलना चाहेंगे या वही चुनना चाहेंगे? नहीं बदलेंगे सर। कौन सी पार्टी की तरफ आपका रुझान है? वही साइकिल का बदलेंगे। साइकिल सही है, उसके द्वारा सही होगा। कुछ लोगों का कहना है उसके उस पार्टी द्वारा गुंडा राज रहता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, गुंडा राज वो कभी नहीं कराते हैं। हम तो करते हैं। उनके राज वो कब कहते हैं? कौन सा नेता कहता है कि हम गुंडा राज कराएं? कभी नहीं होता है गुंडा राज। क्या नाम है आपका? हमारा रामू तिवारी। आपका क्या कहना है अपने विधायक के बारे में और आगामी चुनाव के बारे में? आगामी चुनाव ₹10 लीटर शुरू हो चुका है। तो विधायक द्वारा आपके क्षेत्र में कैसे काम कराए गए? विधायक का तो पता नहीं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने अच्छे काम कराए। तो अब वापस जो चुनाव आ गए हैं तो आप बदलना चाहेंगे, उन्हीं को चुनना चाहेंगे? जैसा कि अभी देखने में आया है तो गुंडा माफिया और इस तरह की वारदातें जो कि आम लोगों को परेशान करती थी इस सरकार में नहीं हुई है। इसलिए आम जनता यही चाहेगी कि ऐसी ही निष्पक्ष सरकार चुने जिससे कि एक भयमुक्त प्रशासन मिले। लेकिन अगर वापस यही विधायक होंगे तो आपके क्षेत्र में तो विकास होना नहीं है, अगर वापस आप उनको चुनना चाहेंगे तो? नहीं, उनके सामने शर्तें रखी जाएंगी, बताया जाएगा कि आपने पिछले क्या काम किए हैं और उनसे संतुष्ट नहीं है, प्रभावित नहीं है हम लोग। लेकिन अगर वापस वह जीत गए वो आपके कहने पर नहीं माने, जैसे अभी कई लोगों का कहना है उनके कार्यालय में वो मौजूद नहीं रहते, मिलते नहीं हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं ऐसा नहीं है, विधायक जी आते हैं, मिलते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अब कार्य प्रणाली पर जो सवाल उठा है उसके लिए देखना पड़ेगा भाई, उनसे कहना पड़ेगा कि आगे आपकी रणनीति क्या है चुनाव में, वो अपना कुछ ना कुछ तो लेके आई होंगे, क्या प्रस्ताव दे रहे हैं, उसी के हिसाब से उनसे बात किए जाए। अभी महरौनी के बाज़ार में अपन ने जाना है क्योंकि इधर काफ़ी क्षेत्र के लोग आते हैं, सोमवार को महरौनी का बाज़ार लगा जाता है जिसमें काफ़ी भीड़ उमड़ती है, कई लोग दुकानदार भी हैं, कई अपन ने चर्चा करते हुए सभी से जाना है। और ऐसे ही चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहिए, कैमरामैन सुहास रजक।